गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो हम निकल चुके हैं सुबह सुबह, टाइम देख सकते हो 5:14 हो चुके हैं। हम जा रहे हैं भंडारे के लिए सब्जियां लेने, मैं और काकू भी है सुबह सुबह, क्योंकि हलवाई मैंने मंगाई थी ना सुबह सुबह 6 बजे, बोला वो 6 बजे पहले ला के देंगे, हम टाइम के पक्के हैं ना। तो चलो फटाफट मंडी चलते हैं, निकल चुके हैं। देखो तो गाइस, आप देख सकते हो मंडी पहुँच चुके हैं। अब लेंगे यहाँ से आलू वगैरह, टमाटर, हरी मिर्च, बहुत सारी चीज़ें, मतलब 5 चीज़ें लेनी है वो लेंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो मंडी का आ जाए, देखो आप देख सकते हो सुबह सुबह कैसे सुनसान मंडी हुई पूरी जमा। चलो लेते हैं सब्जियाँ, अगर मेरा चेहरा दिख रहा तो अच्छी बात है, शायद पिछली क्लिप में भी कम ही दिखा हुआ, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। बट वो भी क्या जोक बना है बताओगे एक बार कैमरे के? तो दोस्तों, ऐसा हुआ है कि हमारे मंडी वाले भाई से पहले हम ही मंडी पहुंच गए। देखो ये सामने जो 72 नंबर दुकान है ना, ये राघव भैया की है। तो राघव भैया तक मंडी नहीं पहुंचे, जो मंडी वाले हैं जो डेली उठते हैं, हम उनसे पहले आ गए। देख रहे हो जैसे हमने आड़त छुड़वानी हो, इस बात पे हम हंसे जा रहे हैं। देख रहे हो हमारी भंडारे के सामान के लिए। तो गाइस इसी बात पे लाइक कर देना, हम मेहनत पूरी करते हैं, शूट भी करता हूँ मैं, कैमरा को इतनी झपकी आ रही थी, अब जाके व्लॉग भी एडिट करना है, फुल डेडिकेशन। तो गाइस हम बोर हो रहे थे, फिर आगे मैंने 10 मिनट का नाम लिया था, मैंने काकू भैया को बोला काकू भैया चलो देख के आते हैं मामला, आज मंडी में R&D करते हैं। हाँ तो मैंने वैसे 20 दिन काम भी करा मंडी का, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, जैसे आलू की तो नहीं, मतलब सॉरी प्याज और टमाटर की तो है, कि मैं देख के बता दूँ। हाँ ठीक है, ये लेना नहीं है, प्याज लेना नहीं है, टमाटर लेना है, वो अभी देख रहे हैं, जो मेरे को समझ आएगा ले लेंगे। तो चलो देख सकते हो, देखो आप भी मेरी दुकान है। तो गाइस ये सब्जी भी ले ली, टमाटर भी ले लिए। हाँ जी, और क्या रह गया? आलू रह गए। तो गाइस आलू रह गए हैं, फिर चलते हैं फटाफट और हलवाई भैया को दे देते हैं सारा सामान, काकू मैंने रख दिया डिग्गे में। तो चलो चलते हैं, आलू की बोरी भी ले ही ली और ये रख दी करेक्ट है। अरे मैं तो चलो काकू भैया सीधा हलवाई के पास। तो गाइस सब्जी वगैरह सब दे दिए हैं, बस एक दो चीज़ रहेगी वो दे जाएंगे, फिर मैं करूँगा ब्लॉग एडिट, क्योंकि आज अपलोड भी तो करना है, ब्लॉग काम बहुत है, टाइम की कमी है। तो घर से फिर निकल चुके हैं सामान रख के और दूसरा सामान लेके, ये भी दे के आना पड़ेगा हलवाई को। नहीं जा रहे हैं पता है, दो लोग जल्दी कहाँ जागते हैं, जानते हैं। चलो अच्छी बात है भाई, गुड मॉर्निंग बोलो। तो गाइस घर आ चुके थे, घर आने के बाद मैंने करा व्लॉग एडिट, बस अब अपलोड करना रह गया, अपलोड बाद में आगे करूँगा, क्योंकि अभी जा रहे हैं टमाटर पिसवाने, भैया ने उबाल के रख लिए हैं, बस पिसवा के उसके बाद अपलोड कराएंगे व्लॉग। तो चलो चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो इतने सारे टमाटर ले आए थे और बहुत सारे मसाले, देखो क्या हाल हो गया उनका, जो इसकी फ्रेगरेंस आ रही है, हाँ हम ही स्मेल कर सकते हैं मतलब उसको, तो लेकिन आपको तो बहुत मुश्किल है ये जानना कि कितनी मस्त सब्जी बनेगी। बाय गॉड, अरे हमारे को पीसने वाले भैया ने दिखा है। हाँ जिन्होंने पीसे है ना, ये बोल रहे हैं भाई साहब आज तक नहीं देखा इतना मसाला किसी ने डलवाया हो, वो कह रहे थे स्मेल इतनी लाजवाब है तो सब्जी कितनी लाजवाब बनेगी। और हम आशा करते हैं कि प्रसाद बहुत ही अच्छा बने। हाँ आशा करते हैं प्रसाद बहुत अच्छा बने, सबको बहुत पसंद आए, पहली बात तो पापा को पसंद आए, बात सही बात है ना भाई। तो दिन में दूसरी बार आ रहे हैं मंडी, टाइम हो गए 7:40, देख लो दिन की मंडी। अब आया धनिया लेने, लेट सी मिलते हैं कि नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग। ये अब देखो ये ना, अब मैं अनकट डालता हूँ, मैंने कल वाले में भी डाल दिए थे, देखो जल्दी से, ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से देखो इधर। गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग कर दो कैमरे पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, खुश रहने के लिए सब्सक्राइब करें सौरभ कुकरेजा के चैनल को, लाइक भी करें ताकि ऐसे ऐसे हसीन चेहरे दिखें, ऐसे ऐसे भी खूबसूरत चेहरे, मतलब कहीं भी। हाँ जी सब कर आए, बस बेतियार कर रहे हैं प्रसाद, तो कुछ कहना चाहेंगे कहते, सब कुछ कह दिया सोने दो। मैं ये कहना चाहूंगी कि छुट्टी का दिन है, एंजॉय करो। तो गाइस सब काम फारिग करने के बाद हम जा रहे हैं कैंपर लेने, वो भी हमारे काम फारिग नहीं हुआ, अभी मेन काम बाकी है, मतलब वो है जल, मतलब सुबेरे का काम फारिग हो गया क्योंकि जल है तो कल है।
रहे हो, बातें सुन रहे हो, चल रहे तो कह ये बातें हैं सच है, ये बात सच है और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है वैसे तो। और अभी हम जा रहे हैं हमारे दोस्त के पास ही, उसके पानी के कैंपर का काम है, तो वहीं से लेंगे हम 6 कैंपर और फिर पंडाल में रख देंगे, फिर हम नहाएंगे धोएंगे फिर पूजा करेंगे। तो आपसे मिलते हैं, आप पूजा करो। क्या हाल है? बढ़िया गाइस, बढ़िया। और कैसे हो? बढ़िया है। कैंपर सर 6 लेट आए हो सर आप, बहुत आपको आना चाहिए ना पूजा में। पूजा में नहीं आना चाहिए, आप आते हो मैं आता हूँ, ये बताओ कैंपर लेने आते हो ना, कैंपर लेने आते हो ना, आते हो ना, अब आप 4 दिन क्यों आए हो भाई? तो फिर आज कैंपर आज पानी दे भाई, भीड़ तो पहले भी होती है यार, लेकिन लोग पानी पी के आते हैं, बिना नहाए इतना सोना दिख रहा हूँ मैं, तो नहाने के बाद कितना सोना दिखूंगा एक बार कमेंट करके बता देना, कोई गंदा कमेंट नहीं करेगा, ओनली गुड कमेंट्स। तो गाइस मैं रेडी तो हो चुका हूँ, तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं नहा धो के। आपको लग रहा होगा कि मैंने कल वाली टी शर्ट डाल दी, लेकिन एक मिनट अभी दिखाता हूँ, पकड़ना है कैमरा। ओह सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो गाइस देखो, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया मिठू, मेरा घर का नाम मिठू है। कई कोई, और, कोई और भी बुलाता हूँ नहीं, कई को पता नहीं है तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम मिठू है, ठीक है। तो नोट कर लेती हूँ, यूपीएससी के एग्जाम में आ जाएगा। हाँ तो ये देखो दीदी, अगर आप अपना लुक दिखाओ, पीछे हो जाओ वहाँ पे जाओ। अबे चल। ओहो तो गाइस आपको मैं फुल गुस्से में जा रहे हैं, कल पूरा और एक और भाई आया था अब तक नहीं उठे, तो पता नहीं क्या सीन है। ये देखो ये सोए हुए हैं, एक जाग रहा है। भाई क्या हो गया, कैमरे से क्यों मट रहा है? दूसरा चाचू को देख ले एक बार। तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है भाई, ये तो सोएगा। तो बता देना गाइस कैसी लग रही है टी शर्ट। अरे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, साथ पिच की साफ सफाई भी चल रही है, मेंटेनेंस जरूरी है, क्योंकि आपको भैया खेल रहा हूँ। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो क्यूटी। सोना कह रहे भाई तो गाइस एक और न्यू एक्सपीरियंस देख सकते हो, एक और न्यू एक्सपीरियंस है हमारे लिए। ये तो चलाता रहता भाई तो ना, लेकिन मेरे न्यू एक्सपीरियंस है, देखो फर्स्ट टाइम बैठा हूँ मैं ऐसे ऑटो में, और अब हम जा रहे हैं प्रसाद लेने, जो लंगर के लिए प्रसाद है वो लेने जा रहे हैं। विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक अष्ट विनायक। तो अंदर तो चल रही है आरती। हेलो सरप्राइज ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। और क्या हाल है वीरे? बढ़िया सच्ची में, सरप्राइज दे दे भाई तेरी गर्मी, मजा आ गया। अंदर चल रही है पूजा, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ध्यान है प्रसाद पे, जा जा मेरा बड़ा बड़
और पीछे काम चल रहा होगा, आवाज़ तो आ रही होगी, इतना कन्फर्म है। दिखाऊं कहाँ गई जेसीबी? वो रही जेसीबी, काम चल रहा ना। यहाँ पे लंगर पड़े हैं, ये देख लो यहीं बैठे हैं। इनसे तो बचाना है, इन लोगों से ही तो बचाना है। इन लोग तो नहीं रहते, डॉग और काओ, गाय और कुत्तों से बचाना है। तो चलो खड़े हैं अभी, तो बाकी कुछ होता है तो अपडेट देते हैं आप। धर्म का वास हो, पाप का नाश हो, देश का विकास हो, पाकिस्तान का नाश हो, हर हर महादेव। तो गाइस अब प्रसाद को भोग लगाने जाएंगे, हमारे पंडित जी तैयार हैं। दीदी ने प्लेट ले ली और मैं भी तैयार हूँ। हाँ जी पंडाल में, और मैं भी तैयार हूँ। हाँ ये काको भी तैयार, पूरी पठान पठून के साथ फिर प्रमोशन करना। पठान की पठान टू आएगी, कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर, जल्दी आएगी। थोड़ा मूड ऑफ हो गया मेरा यार। तो गाइस भंडारे वाला
लंगर भोग लग रहे थे विनोदी बप्पा को, आप देख सकते हैं। तो गाइस पूरे दिन के लंगर के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, हमने सारा काम निपटा दिया है और हम शाम की पूजा भी कर चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे कल शाम को, बाय बाय।